कहा जाता है कि जब गुस्सा आता है तो हमें शांत रहना चाहिए या हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, एंगर को कंट्रोल करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, तो क्या हो क्या जाता है? और कई लोग कहते हैं कि गुस्से के समय ऐसी क्या बात है, जब मन में जो बात है उसको उसी समय निकाल देना चाहिए तो गुस्सा शांत हो जाता है। पर देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पानी तो पानी है, राइट? उसकी प्रॉपर्टीज तो सेम है, बट जब वो बॉइलिंग स्टेज में होता है, जब पानी बॉइल हो रहा होता है, अगर आप उसके सामने खड़े हैं तो क्या आप उसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं? उसमें कुछ भी नहीं दिखता, राइट? जस्ट उसके बबल्स और द वे इट इज़ बॉइलिंग, वो दिखाई देता है। और जब पानी ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, काम एकदम यू नो स्टेबल हो जाता है, उस समय जो क्लैरिटी आपको दिखती है, जिसमें आप अपनी शक्ल भी देख सकते हैं और भी अगर आप देखें तो रिफ्लेक्शन दिखती है सराउंडिंग्स की, तो वो जो वही वाटर है जो जब बिल्कुल शांत हो गया, ठंडा हो गया, तो उस समय उसमें क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन जब बॉयल हो रहा होता है तो आपको बिल्कुल उसकी कोई फॉर्म कुछ भी समझ में नहीं आता, ना ही उसमें कुछ रिफ्लेक्ट हो पाता है। सो उसी तरह से ये जो जब दिमाग है ना, हमारा जो माइंड है, जब वो गुस्से में होता है, एंगर में होता है, उस समय जो उसकी स्टेट है, जो बातें हैं, जो थॉट्स हैं, वो समझ में नहीं आते हैं। और कब क्या दिमाग से निकल जाए, मुंह से निकल जाए, या हम क्या रिएक्ट कर जाएं, हमें कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन जब हम शांत हो जाते हैं, हमारा दिमाग शांत हो जाता है, माइंड कूल एंड काम हो जाता है, तो वही बात जिस पे आपको थोड़ी देर पहले बुलबुले उठ रहे थे दिमाग में और गुस्सा आ रहा था इतना किसी के ऊपर, सामने वाले के ऊपर, वही बात बिल्कुल जब आपका माइंड शांत हो जाता है, खत्म हो जाती है। उसका जो रिएक्ट करने का तरीका होता है वो बदल जाता है, वो गुस्सा उस समय के गुस्से से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत बार तो ऐसा होता है आप उस बात को ख़त्म ही कर देते हैं, कहते हैं कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, बट वो जो मोमेंट है ना, वो जो टाइम है, एग्जैक्टली दैट मोमेंट, अगर उस पर आपने कंट्रोल कर लिया ये सोच के कि इस समय ये जो मेरा टेम्परामेंट है, ये एक बॉइलिंग वाटर की तरह है जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, जो मन में आ रहा है बस मैं अगर बोल गया तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। बट If you give time to your mind, to yourself, to get calm, to get quiet, to get, you know, peaceful, after that you will get the clarity कि वो issue इतना बड़ा नहीं था और कोई भी issue इतना बड़ा नहीं हो सकता जो आप उसको control ना कर पाएं। यदि वो issue आपको control कर रहा है, that means you are weak. But if you can control every situation, every issue और कोई भी type का conversation, that means your mind, your heart and yourself, you are very strong, right?